और हाँ, अगर आप गाड़ी बाय करने के लिए जा रहे हो तो कुछ टिप्स आपको ऐसी दूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। ये रखी हुई है भाई इसकी बैटरी ना, तो ये चेंज करेंगे नई के साथ। वैसे तो यहाँ पे कार चेक डॉट आई करके एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। इंडिया से लाइसेंस या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का लाइसेंस। तो भाई अगर आप डिलीवरी वगैरह के लिए अगर गाड़ी लेना सोच रहे हो ना। हाँ हाँ, क्या सॉन्ग है भाई ना। तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सचिन। और मैं रह रहा हूँ भाई आयरलैंड डबलिन में, रह रहा हूँ लास्ट के 15 सालों से आयरलैंड डबलिन में रह रहा हूँ भाई ना। वैसे तो कई बंदे पूछते हैं भाई यूके क्यों नहीं जाते हो यहाँ से ना, क्योंकि यूके यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है। बट एज कम्पेयर अगर मैं देखू ना भाई ना, इनकम लगा के और सब कुछ, सारी कंडीशन अगर आप देखते हो भाई ना, क्वाइटनेस यहाँ पे कितनी है, इंग्लैंड में कितनी है, क्राइम यहाँ पे कितना है, वहाँ पे कितना है, तो भाई मेरे को ना पता नहीं क्यों आयरलैंड बड़ा बेस्ट लगता है कंट्री रहने के लिए। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, देखो मैं पहुंच गया अपना सीधा जिम में, और जिम से आने के बाद गाड़ी के खर्चे भाई ना, गाड़ी में क्या क्या हम डालते हैं, क्या क्या एक्सपेंस होता है, और क्या कुछ आप गाड़ी से बेनिफिट उठा सकते हो आयरलैंड में अगर आप रह रहे हो ना। और साथ में मैंने गाड़ी में डलवानी अपने एक छोटी सी बैटरी, वो भी आपको दिखाएंगे। ये अभी टोयोटा प्रियस की हाइब्रिड गाड़ी है। चलो भाई मैं आपको गाड़ी से बाहर निकल के अपना पार्किंग का सीन दिखा दूं। भाई यहाँ पे गाड़ी अपना जो भी भाई जिम में आ रहे ना, सबके पास भाई मोस्टली अपनी गाड़ियां खड़ी है। देखो भाई ना, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है इधर, और सामने लास्ट तक गाड़ियां खड़ी। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ भाई, देखो अगर आप जैसे आयरलैंड का वेदर जैसा है ना भाई ना, अगर आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज करते हो तो गाड़ी से आपको ये बेनिफिट हो जाता है, अभी अपना टाइम पे निकल गया, साथ में अगर बारिश हो रही हो तो बारिश में भी निकल गया। ऑलरेडी खड़ी थी अपना लिफ्ट भी भाई नंबर दो पे। तो भाई जब मैंने यहाँ पे गाड़ी ली थी पहली बार, कब ली थी मैंने भाई, मैं आया था 2007 में आयरलैंड में, मैंने ली थी भाई अराउंड 2 साल के बाद गाड़ी ले ली थी। मेरे को बेनिफिट हुआ ना हुआ वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो। छोटे से छोटा सामान भी आप लोगे ना भाई ना, नियरली भाई 20 से 25 यूरो का छोटे से छोटा सामान भी अगर गाड़ी आपकी खराब हो जाती है। पास भाई ये दो रखी हुई है, एक तो अपना बोस की, एक अपना देसी वाली 80 की, 120 की, दोनों से देखते भाई कौन सी लेनी है। लो भाई ये ले लिया अपना बैटरी, और यही कॉस्ट पकड़ रही है भाई मेरे को 100 यूरो। तो वैसे तो ये बॉक्स में नहीं दिया, कह रही है ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसकी रसीद जो मैंने बैटरी ली है 100 यूरो की। तो भाई ना गाड़ी का ना कहीं ना कहीं पे ना ये फायदा बहुत ज्यादा हो जाए कि ना, जैसे कि अगर आपको काम करने है ना अपने घर के, अपना कुछ ना कुछ भाई ना काम निकलते ही रहा, तो आप काम इजिली कर सको। जैसे मैंने भाई गाड़ी की बैटरी डला ली, जिम भी चला गया, और अब टेस्को से मैंने ना भाई ना दूध लेके आना, तो वो भी लेके आ जाएंगे, तो टाइम नहीं लगता अभी ना। गाड़ी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आप गाड़ी नहीं यूज कर रहे हो, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो भाई ना टाइम लग जाता है। जैसे आप टेस्को में वॉक करके जाओगे, साथ में भाई अपना जिम जाओगे, तो हाफ एन आवर 1 आवर तो भाई ना आपका ऐसे वेस्ट हो जाएगा दिन में ना। तो दूध लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में। आज का मौसम बड़ा सही हो रहा है भाई ना, धूप निकल रही, और अपना खोलने वास्ते ना सारा कुछ ले लिया भाई, जो अपना बैटरी वास्ते हमको चाहिएगा। इसकी जो बैटरी डलती है वो डलती है भाई पीछे की तरफ यहाँ पे ना गाड़ी के बूट में, ये रखी हुई है भाई इसकी बैटरी ना, तो ये चेंज करेंगे नई के साथ। वैसे पहले कभी चेंज तो करी नहीं है, बट ट्राई करेंगे, हो ही जाएगी भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो भाई एक बैटरी तो निकाल दी, जो ये अपना पुराने वाली थी, अपने डालनी है भाई नई वाली बैटरी। पुरानी है वो फुली वापस ले लेगा, गाड़ी स्टार्ट करके देखा होपफुली हो जाएगी स्टार्ट। हो गई भाई, हो गई। तो भाई फाइनली डाल दी अपनी बैटरी, और मेरे को लगे भाई नियरली 20 मिनट के करीब लगे, तो दलवीत ने मेरी हेल्प कर दी बैटरी डालने में। अगर आप यही काम किसी मैकेनिक से कराओगे ना, तो भाई ना 20 यूरो एटलीस्ट आपके ले लेगा बैटरी डालने की सिर्फ ना। तो अगर आप नए आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहे हो, तो यहाँ पे आके गाड़ी भाई ना देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना स्टूडेंट आ रहे हो तो भाई ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की ट्राई करे, बसेज वगैरह। गाड़ी में आपके एक्सपेंसिस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि लगा लो कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस लगती है, इंश्योरेंस ही लगा लो एटलीस्ट कम से कम आपकी भाई ना 1.5 यूरो से शुरू होती है जब आप यहाँ पे गाड़ी बाय करते हो। साथ में आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, अकेले आप गाड़ी नहीं चला पाओगे आयरलैंड में, आपको एल साइन लगा के चलानी पड़ेगी, फुल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, 12 लेसन लेने पड़ेंगे, 12 लेसन की टोटल फीस 450 यूरो से 550 यूरो तक की लग जाती है, जिसमें आपको 8 से 12 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे गाड़ी की इंश्योरेंस पे करोगे, गाड़ी का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 3 मंथ, जो कि अराउंड आपका बन जाता है अभी ना 80 यूरो 3 मंथ के 80 यूरो 3 मंथ, कैसे साल में आप पे करते आ रहे हो गया। साथ में आपको साल में एक बार गाड़ी अपनी NCT नेशनल कार टेस्ट, उसके लिए भी आपको लेके जाने पड़ेगी, जिसमें आपको एक्सपेंस होता है नियरली भाई 80 यूरो कुछ ऐसे बनता है, जिसमें आपके वो गाड़ी का सारा कुछ चेक करते हैं, हेडलाइट वगैरह, टायर्स वगैरह, और जो गाड़ी आपकी सर्विस हो रही है, गाड़ी ज़्यादा स्मोक तो नहीं फेंक रही है, अपना धुआं तो नहीं मार रही है, तो और भी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं भाई गाड़ी के, जैसे मेंटेनेंस वगैरह अगर आप करते हो। और तो अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा ना कि नए स्टूडेंट आ रहे हो तो मैंने कम से कम 1-2 साल ऐसे लगा लो कि बिना गाड़ी के आपके काम चला सकते हो। और अगर आप
इंडिया से लाइसेंस या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का लाइसेंस इंडिया यहाँ पे आयरलैंड में लेके आ रहे हो तो भी आपका एक साल के लिए वैलिड होता है, एक साल के लिए चल जाता है, तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस पे एक साल तक आप गाड़ी चला सकते हो। और उसमें डिलीवरी वगैरह वो मैं श्योर नहीं हूँ, बट यानी कि कर सकते हो, बट बच के चलो अपना ना। कोई कितनी बड़ी बिल्ली है वो देखो इसके पीछे ही लग गया बेटा उनके घर में ना, चलो जी बातें कर रहा है उसके साथ ना। हमारे नेबर ने भाई ना एक ना कैट रखी हुई है घर पे ना, तो बड़ी वो अच्छी है, अपना आसपास ही घूमते रहेगी। तो रायन बड़ा खेलता है इस कैटी के साथ ना। बस यूज करने के लिए मैं आपको बोलूंगा लीप कार्ड बना लो यहाँ पे ना, तो लीप कार्ड ओकोनो स्ट्रीट जो डबलिन की मेन स्ट्रीट है अभी ना टाउन में, तो उसके पास ही उनका बस का ऑफिस है। अब बेटा अपने नई बैटरी डाली है गाड़ी में ना, तो वहां से आप अपना लीप कार्ड बना सकते हो। उसमें भी ना बहुत सस्ती आपको जर्नी पड़ती है आपकी ना, तो अगर आपके 1 यूरो 70-80 सेंट लग रहा है ना, तो लीप कार्ड के साथ आपके 1 यूरो लगेगा। आप साथ में आपको कोइन भी नहीं कैरी करने पड़ेंगे। तो गाड़ी के साथ में भी ना आपको जैसे मेंटेनेंस होगी आपकी गाड़ी के साथ में, टायर्स वगैरह आपको डलाने पड़ेंगे भाई ना। तो लास्ट में मैं जरूर कहूंगा भाई ना, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो, पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हो, आपने इंटरनेट से बाय करना सोचा, जैसे फेसबुक पे एड लगी रहती है अभी डंडेलिया की मेन वेबसाइट है, वहां से आप लेने जा रहे हो, आपने एडवर्टाइज देखी, गाड़ी आपको देखने में अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो मैं ये बोलूंगा भाई ना, अगर आप बंदा जो आपको बुला अभी किसी शॉपिंग सेंटर या फिर किसी पार्क या फिर किसी अलग जगह पे बुला रहे हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा अभी उस गाड़ी को अवॉइड करो, या फिर ना बिल्कुल जैसे केयरफुल हो जाओ एकदम, क्योंकि गाड़ी में कुछ भी खराबी या नुक्स हो सकता है, तो आपको भी ना घाटा काफी पड़ सकता है। मेरे को फर्स्ट गाड़ी ली थी जब मैंने 2600 यूरो की थी वो, तो मैंने उसको विद इन भाई 3 to 4 मंथ सेल किया था 1500 यूरो के, मेरे को भाई नियरली 1100 यूरो मेरे को लॉस्ट हुए थे, क्योंकि वो गाड़ी भाई ना टेक्निकली उस गाड़ी में फॉल्ट था। तो उस बंदे ने मेरे को बुलाया था भाई किसी शॉपिंग सेंटर में, जो जैसे जो बंदा सेल कर रहा है अपने घर के आसपास बुला रहा है, तो वो बंदा जो मैं पर्सनली बोलता हूं वो जेन्युइन एक सेलर होएगा, और उससे आप जैसे लॉग बुक मिलती है आपकी गाड़ी की, तो उस लॉग बुक पे उस बंदे के साइन होते हैं, वो जरूर करा ले। और साथ में ना जो लॉग बुक पे साइन कराने के बाद आपने पोस्ट करनी होती है, तो वो अपने आप ही आप पोस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को लेके ना फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस फ्रॉड से बचने के लिए ना भाई ना आपको ना एक दो वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो वो देख के जरूर जाएं कि ना जब भी आप गाड़ी बाय करने के लिए जा रहे हो। तो बाकी तो यही है, अभी ना गाड़ी जब ले रहे हो तो अपना देखो भाई ना गाड़ी में कोई एक्सीडेंटल गार्डियन हो। वैसे तो यहाँ पे कार चेक .ai करके एक वेबसाइट भी है, वहां पे आप पता कर सकते हो कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, वहां पे गाड़ी की आपको हिस्ट्री पता लग जाती है। और इंडियन लाइसेंस पे कई बंदे पूछते हैं भी गाड़ी बाय कर सकते हैं, हाँ भाई ना कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन लाइसेंस है आपके पास और तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको तो अपनी गाड़ी सेल करनी है तो आपको कोई भी गाड़ी बेच देगा। साथ में भी ना इंडियन लाइसेंस पे आपकी इंश्योरेंस वो भी हो जाती है, बिना स्टूडेंट गाड़ी बाय कर सकते हैं, हाँ भाई गाड़ी बाय कर सकता है। वैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा भाई ना उनका आंसर करने की। तो भाई अगर आप डिलीवरी वगैरह के लिए अगर गाड़ी लेना सोच रहे हो ना, जैसे अपने डिलीवरी करनी है पिज्जा शॉप पे या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में, उसके लिए गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि वो एक कैश एंड जॉब मिल जाती है आपको, साथ में भी ना आपका काम भी उससे हो जाता है और साथ में आपको कन्विंस भी हो जाता है, जैसे अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए ना, आपको कॉलेज जाने के लिए, काम पे जाने के लिए ना। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है, हाँ लाइसेंस जरूर बनवा ले भाई ना यहाँ पे आके, तो गाड़ी का तो वैसे जब यहाँ पे आओगे ना तब आपको पता लग जाता है कि आपको गाड़ी की नीड है या नहीं है, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी से काम चला रहे हो, आपको इनकम बन रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेटा। ओके राडी, जब मैंने ली थी भाई ना, मैंने ली थी जब मैं आयरलैंड में आया था, 2 साल के बाद ली थी, लेकिन मेरे को पर्सनल भी ना बेनिफिट हुआ, क्योंकि ना मैंने डिलीवरी तो नहीं कभी करी, हाँ जब अपनी शॉप ली है ना तब से मैंने डिलीवरी एक दो बार करी है यहाँ पे अपनी दुकान पे। डिलीवरी का वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कितनी इनकम यहाँ पे बन जाती है डिलीवरी से ना। और साथ में भाई ना जैसे मैंने टैक्सी डाली है, टैक्सी में भाई ना काफी इनकम है यहाँ पे ना, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि लाइसेंस साथ में गाड़ी ले ले, अगर आपकी गाड़ी से इनकम बन रही है। एक्सपेंसिव होते हैं भाई ना गाड़ी के जो आप गाड़ी लेते हो। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। और गाड़ी में बैटरी डल गया अभी ना, होपफुली यही बैटरी गाड़ी में दिक्कत कर रही होगी, जो मैं सुबह स्टार्ट करता ना भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी इजिली, तो अगर हाइब्रिड बैटरी है तो भाई 2000 का फटका लगेगा, वैसे तो भाई 100 यूरो में काम चल गया। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।